good evening ladies and gentlemen today uh, we learn few sentences that we can use as it is i'll in the typical sentences series i'll try to share with you the compilation of sentences these sentences वेलकम हैंडी कैन बी यूज़ डायरेक्टली वेन आई वर रिक्वायर्ड इन सेंटेंसेज के मैं एग्जैक्ट मीनिंग कहाँ पर लिटरली कहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं किस भावना को किस एहसास को बताने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो मैं बताऊँगा फर्स्ट सेंटेंस है सो आई टच बेस विद कैरो तो यहाँ पे वो भावना क्या है जिसके लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कभी भी आपको किसी को ये कहना हो कि भाई मैंने उससे बात की और इसके बारे में मैंने कुछ पता लगाया मतलब टचड बेस यूज़ होता है उस फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ब्रीफ़ एनकाउंटर था किसी के साथ एक ब्रीफ़ मुलाकात या बातचीत जिसमें आपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की कुछ नई चीज़ें पता लगाई या किसी जानकारी के बारे में आपने पता लगाया कोई भी डाउट था या कुछ एक ऐसी चीज़ थी जो आप पता लगाना चाहते थे वो आपको पता चल गई तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीनशॉट्स कुछ शेयर किए हैं मैंने ताकि इसमें हमारा डाउट क्लियर हो जाए टच बेस इसका मीनिंग लिटल मीनिंग देख लीजिए टू टॉक टू समवन ब्रीफली टू लर्न हाउ दे आर और व्हाट दे थिंक अबाउट समथिंग तो वो जो एग्जाम्पल था टच बेस विद कैरोलिन उसमें क्या था उसमें एक बंदा था ये लेगेसी सीरीज का सेंटेंस निकाला हुआ है मैंने उसमें वो बंदा क्या कह रहा है वो कुछ अपनी जो एक सहयोगी उस, उसका नाम लिया कैरोलिन उसको बोल रहा है कि भाई मैंने उससे बातचीत की उसे कुछ पता लगाना था किस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी थी तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई आई टच बेस विद कैरो और उसने क्या किया टच विद कैरोन का मतलब क्या है कि मैंने पता लगाया उसे मैंने बातचीत की और मैंने ये जानकारी हासिल की किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में पता लगाना चाहता था तो उसकी कोई एक वेम्पायर या कोई भी कोई वहाँ पे एक स्टूडेंट होगी जो उसके पास उससे कुछ बात कर रही थी तो उसको उसने बोला कि आई टच बेस विद कैरोलिन एंड आई फाउंड आउट समथिंग इस तरीके से कुछ बोला उसने तो वो ये कहना चाह रहा था कि भाई मैंने ये चीज़ पता लगाई टच बेस का अगर इसके हम हिस्ट्री में जाएँ तो ये बेस से इसका लिंक है बट उसमें मैं नहीं जाऊंगा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है टू मीट एंड टॉक एज ए वे ऑफ लर्निंग अबाउट रीसेंट न्यूज किसी से मुलाकात करना और बातचीत करना पता लगाना कोई नई चीज़ एग्जाम्पल लिख लेते हैं डिड यू टच बेस विद जेनी अबाउट आर वेकेशन प्लान्स क्या तुमने जेनी से बातचीत की या पता लगाया कि भाई हाँ हमारे वेकेशन के प्लान्स क्या हैं लेट्स टच बेस नेक्स्ट वीक टू डिस्कस द प्रोजेक्ट इन मोर डिटेल तो अभी क्या कहना चाह रहा है कि भाई चलो अगले हफ्ते थोड़ा मिलते हैं बैठते हैं थोड़ा बातचीत करते हैं कि भाई क्या करना क्या है भाई हमारे प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स क्या हैं क्या करना क्या चाहते हैं तो लेट्स टच बेस मतलब आओ बैठते हैं बातचीत करते हैं पता लगाते हैं क्या करना है क्या करना चाहते हो देन ये एक लेडी है ये कॉल पे दिखाया हुआ है आई वॉज जस्ट कॉलिंग टू टच बेस तो ये उसने कुछ बोला होगा कि भाई क्यों कॉल किया तो इसने बोला होगा कि भाई आई वॉज जस्ट कॉलिंग टू टच बेस मुझे इसका बैकड्रॉप नहीं पता है बट ये गूगल से मैंने डाला है तो इसमें जो इसकी फीलिंग एक्सप्रेस जो ये एक करना चाह रही है वो ये है कि भाई मैंने सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए या मैंने कुछ और नई ताज़ा क्या है इस तरीके का जो हम इंफॉर्मली नहीं बोलते हैं हम कि बस मैं तो ऐसे ही कर लिया था यार ये पता लगाने के लिए कुछ ऐसी और क्या चल रहा है क्या लाइफ में क्या नया है तो उसके लिए फ़ोन कर लिया था तो उसके लिए आप कह सकते हो आई वॉज जस्ट कॉल इन टू टच बेस या ये कहने के लिए कि भैया मैं कुछ बस कुछ पता लगाना चाहती थोड़ी बहुत चीज़ें ये कुछ कुछ जानकारी लेनी थी या कुछ इन्फॉमेशन गैदर करना था उसके लिए भी आप टच बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई जस्ट कॉल टू टच बेस विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू नो अबाउट इट समथिंग लाइक दैट देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टच बेस विद समन में एग्जाम्पल माई फादर वॉन्ट्स मी टू टच बेस विद हिम बिफोर आई यूज द लॉन मोर तो ये कह रहा है कि भाई मैं इससे पहले घास काटने वाली मशीन इस्तेमाल करूँ मेरे पिता चाहते हैं कि भाई मैं उनके साथ क्या करूँ आई ही वॉन्ट्स मी टू टच बेस विद हिम दैट वॉट 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 इज ही ट्राइंग टू कन्वे कि भई मेरे पिता चाहते हैं भाई एक बार बैठ जा आके बातचीत कर ले मतलब क्या चीज़ है कैसे करना है क्या नहीं करना है एक बार जानकारी हासिल कर ले थोड़ी देर बैठ पता लगा ले करना क्या है उसके बाद अपना जो है घास काटने की मशीन मसी, इस्तेमाल कर लेना सो वॉट इज ट्राइंग टू कन्वे इज दैट हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू सिट विद हिम ब्रीफली गेट सम आइडिया गेट टू नो ऑफ द थिंग्स how to use it what are the things to be done what not to be done and then allow him to okay to utilize the or to use the lawn mower so touch base ka matlab kya hoga kuch jankari hasil karna ek brief encounter then is cut to the chase ab ek cut to the chase ye bhi aap directly istemal kar sakte hain zyada tar jaise kahi ऐसी मीटिंग में कई बार होता है आप कुछ बातचीत करने सामने वाला लंबी लंबी कहानियां बताया जा रहा है ये था ऐसा था वैसा था ये हुआ तो आप रिस्पॉन्स क्या कह, कह सकते हैं कि ओके okay, ठीक है एग्रीड ओके कट टू द चीज लेट एस कट टू द चीज मतलब आजा भाई ठीक है समझ गया मैं सारी बातें अब मीट पे आ जा कि भाई हाँ तू तो चाहता है क्या है वॉट इज योर प्रॉब्लम वॉट यू रिक्वायर वॉट यू वॉन्ट वट आर यू ट्राइंग टू कन्वे ठीक है कम टू द पॉइंट सो कट टू द चीज वट वॉट इज वट इट मीन्स वट इज इट यू वॉन्ट अस टू डेज दिस इज एन एग्जाम्पल कट टू द चीज वट इज इट यू वॉन्ट अस टू डू सो so, ये क्या कह रहा है कि हाँ कट टू द चेज आ जा मीट उस पर आ जा अपने उस एग्जैक्ट पॉइंट पर आ जा तू चाहता क्या है हमसे तो ज्यादातर ऐसी कहीं पर भी जहां पर अभी कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है समझ गया मैं आप हाँ, छोड़ दें उन सब बातों को यह बता भाई तू चाहता क्या है उस पर आ जा मेन चीज क्या है देन इज दिस गेम इज डन एंड डस्टेड ये भी आप डायरेक्ट यूं का यूं इस्तेमाल कर सकते हैं डन एंड डस्टेड ये डन एंड डस्टेड के लिए मैंने शेयर किया है यहाँ पे कि डन एंड डस्टड आप कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पे अभी कहना चाह रहे हैं कि भी कोई चीज़ हाँ हो गई खत्म हो गई इसका सॉल्यूशन भी हो गया जो होना था उसका हो चुका है ठीक है जैसे रिसेंट अगर मान लो अभी चाइना का जो भी चल रहा है और आपके सामने कोई बात करे उसमें ये हुआ ऐसे हुआ वो हुआ ये हुआ जो भी है और अभी कहना चाह रहे हैं ठीक है यार होगा जो होना था हो गया ख़त्म हो गया चीज़ें ख़त्म हो गई हो गया सब ठीक है तो वॉट यू कैन से इज़ ओके दिस थिंग इज़ डन एंड डस्टेड ठीक है लेटस प्रोसीड फर्दर या लेट्स टॉक समथिंग एल्स कोई और बात किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं कोई भी एक रिसन कोई भी आर्ग्यूमेंट आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो फलानी जगह जीत गया उसने ऐसा कर लिया अभी जैसे रिसेंट इंकाउंटर हुआ इसका विकास का तो बोला यार उसने ऐसे कर दिया इसने वो कर दिया वो कर दिया आप आप अभी कहना चाह रहे हैं ठीक है अभी हाँ हो गया ना जो होना तो हो गया तो वट यू मीन सही दिस इज डस्टेड दैन इज़ विच uh, मीन्स that योर माइंड इज इन फ्लक्स अभी यहाँ पे माइंड इज इन फ्लक्स ये सेंटेंस कब यूज करना है मतलब वैसे तो फ्लक्स से रिलेशन में है सारी चीजें बट आप माइंड इज इन फ्लक्स भी यूं का इस्तेमाल कर सकते हैं माइंड इज इन फ्लक्स कब बोलेंगे आप किसी को ये बोलने के लिए भाई तुम्हारा दिमाग जो है इसका मतलब क्या है बार बार चेंज हो रहा है जब आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार तुम्हारे विचार चेंज हो रहे हैं कुछ उसमें कभी कुछ कभी कुछ, कुछ सोच रहे हो कभी कुछ सोच रहे हो तुम ईज में पेशेंस पेशेंस नहीं है कुछ ना कुछ बार बार आपके विचार चेंज हो रहे हैं आपके दिमाग में अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कभी आप सोचते हो ये ऐसा करना ठीक है कभी आप सोचते हो ये करना ठीक है तो आप ये कहना क्या कहना चाह रहे हैं आप एक सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि माइंड योर माइंड इज इन फ्लक्स ये चेंज हो रहा है भाई इसमें बार बार चीज़ें जो हैं स्थिर नहीं है ठीक है तो वैसे इसका फ्लक्स से लेना देना मैं आगे समझाऊंगा फ्लक्स का भी बट आप पूरा पूरा सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फीलिंग को शेयर बताने के लिए तो so, फ्लक्स का देख लेते हैं इफ़ योर लाइक्स डिसलाइक्स एटीट्यूड्स ड्रीम्स एंड इवन फ्रेंड्स आर चेंजिंग ऑल द टाइम यू मे बी इन फ्लक्स अगर आपकी जो आप पसंद करते हैं जो आप ना पसंद करते हैं आपका एटीट्यूड आपका सपने आपके दोस्त आपके मित्र जो भी हैं अगर बार बार चेंज हो रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो यू मे बी इन फ्लक्स तो इन फ्लक्स फ्लक्स किसके लिए होता है इस चीज़ के लिए जो चेंज जो है उसको जाहिर करने के लिए फ्लक्स इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स मीन्स स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट शुड बी डन अगर आप किसी को कहें कि यू आर ऑलवेज इन अन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स तो आप इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया कि भाई अच्छा, हमेशा ही चेंज रहता है तो कुछ ना कुछ कुछ अनसर्टेनिटी है हमेशा क्या करना है पता ही नहीं सो so, आप, आप या तो इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर ले कि इन योर जैसे इन इन अंस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स या योर माइंड इज इन फ्लक्स तो मैंने ये, ये बताने के लिए इस सेंटेंस में उतार था इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं देन इज वी देर येट वी देर येट का क्या मतलब है कि क्या हम पहुंच गए तो अब ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये क्या हम पहुँच गए इसमें अटक जाते हैं बोलते हुए ज़्यादातर नहीं बोल पाते हैं तो इसको इसको कैसे किससे आप जाहिर कर सकते हो वी देर येट क्या हम पहुँच गए हैं तो सिंपल से बोलना है कि वी देर येट कि क्या हम वहाँ पे पहुँच गए तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ये ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में नहीं आते हैं तो उसके लिए मैंने ये सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं ताकि ये आपको याद हो जाए और इनको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार तो आपको ग्रामर पे ज़्यादा बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रामर ज़रूरी है अच्छी तरीके से सीखने के लिए मगर आप इसको अगर आप याद कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये आ जाता है तो आप अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं देन इज आई डू अ सैंडविच अब आई एल डू अ सैंडविच अभी ज़्यादातर आप कोई भी एक अगर जिसने ग्रामर पढ़ी है और ग्रामेटिकली चेंज देने कोशिश कराए तो ये नहीं इस्तेमाल करेगा मगर मैंने देखा है कई जगह ये मूवीज का मूवीज में यूज़ होता है और ये आई एल डू अ सैंडविच ये भी एक लेगेसी सीरीज का ही एक आ, स्क्रीन शॉट लिया हुआ है उसमें एक वेम्पायर है और एक बंदा है वो उसे पूछता है भाई तुम क्या खाओगे तो वो वेम्पायर बोल रहे आई एल डू अ सैंडविच मतलब या मैं सैंडविच से काम चला लूँगा मैं सैंडविच खा लूँगा ठीक है तो कोई जैसे आपसे पूछता है भैया क्या खाओगे या कह भाई ये चॉकलेट हैं कई सारी बोला कौन चॉकलेट खाओगे बोला आई एल डू विद विद डेरी मिल्क या भाई क्या खाना पसंद करोगे एल्डू मैगी ठीक है तो मतलब क्या कह रहे हैं मैं इसके साथ काम चला लूंगा ठीक है तो ये एक सेंटेंस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं देन इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड ऑल दीज फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट ऐसे पले वाले तो नॉर्मल थे बट ये बहुत ज्यादा ज्यादातर इस्तेमाल होता है ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड ऑल दीज फैक्ट्स ये कब इस्तेमाल होगा जब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको कई सारी फैक्ट्स कई चीज़ समझा रहे हैं कुछ इस बता रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है हाँ जान मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की क्या है क्या चीज़ तो आप क्या कह सकते हैं आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड ऑल दीज फैक्ट्स अब रैप माई हेड अब देखा जाए तो रैप माई हेड ये एज ए नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा नहीं आ, आता भी नहीं है याद भी नहीं आता है तो उसको आप याद रख लीजिए टिपिकल सेंटेंसेज हैं इसको ये आपको आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में मदद देंगे सो तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप क्या कह रहे हैं आई ट्राइम टू रैप माई हेड अराउंड ऑल दीज फैक्ट्स जो भी बताए हैं नए नए ठीक है देन इज वाई ये दे आर मनीड मैन ऑफ मीन्स अभी दे आर मनीड मैन ऑफ मीन्स कहाँ पे बोल सकते हैं दे आर मनीड का क्या मतलब है कि वो पैसे वाले हैं मैन ऑफ मीन्स मतलब उनके पहुंच वाले हैं थोड़े कॉन्टैक्ट्स उनके ज़्यादा हैं कनेक्शंस हैं मिलाप वाले लोग हैं ये एक बॉलीवुड मूवी का से सेंडेंस लिया हुआ जहां पे दर्मेंद्र है जहाँ पर धर्मेंद्र है धर्मेंद्र को फंसा दिया जाता है किसी इल्ज़ाम में आ, और उसके पीछे से जो दूसरे लोग हैं वो पैसा काफ़ी कमा लेते हैं उसको फंसा के उसके पैसे चोरी कर लेते हैं बैंक का एक सीन है तो एक बंदा बोलता है भाई तुम उनके खिलाफ काम क्यों नहीं करते तो धर्मेंद्र बोलता है कि भाई मैं नहीं कर सकता दे आर मनीड मैन ऑफ मीन्स मतलब वो पैसे वाले हैं और उनके पास क्या है काफ़ी चीज़ें हैं काफ़ी मीन्स हैं जिसके कारण वो जिससे कि वो उन उनसे पंगा लेना आसान नहीं है काफ़ी कनेक्शन होंगे ठीक है तो इनको आप याद कर लीजिए इसको याद करने से आपको बोलना आसान हो जाएगा आप अपने आप को एक्सप्रेस आसानी से कर